हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना सिंह। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। उसके बाद कब लोग, मैं भी नहा ली हूँ, थोड़ा लेट हो गया है, बट अभी मैं कॉल नहीं होता मेरा। ऐसे कपड़ा बहुत ज़्यादा रखा हुआ है आज का, क्योंकि मेरे फेस पे उतरा उतरा सा लग रहा है, क्योंकि तबीयत पीछे नहीं लग रहा, माथा दर्द होकर लग रहा है। कुछ नहीं, थोड़ा मैं बाल बाल झाड़ लेती हूँ, थोड़ा रेडी होके मिलती हूँ आप लोग से, थोड़ा पूजा करूँगी, फिर आप लोग से बातें करती हूँ। मैं अभी रेडी हो गई हूँ, कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है अभी। आप लोग बताइए कि मैं क्या लगाऊँ, कि ठीक हो जाए। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे बिल्कुल भी ये चीज़। कंसीलर भी लगा रही हूँ फिर भी ठक नहीं रहा है पूरा। वाह, मुझे से हो गया है, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे कभी कभी। देखिए कितना गंदा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, और इसमें तो और ही गंदा दिख रहा है, बट कोई नहीं। अपने भी अपने इग्नोर करिएगा। और मैं कैसी लग रही हूँ, और ये मैं मैरून और येलो कलर का साड़ी वेयर की हूँ। मैं येलो सिंदूर, हम लोग में कुछ भी होता है तो येलो सिंदूर लगाया जाता है, तो मैं लगा ली हूँ। तो चलिए, लेट तो हो गया है, थोड़ा पूजा कर लेती हूँ, पूजा करती हूँ, दिया हुआ दीपक जला देती हूँ, फिर बैठ के आप लोगों से बहुत सारी बातें करेंगे। लड्डू इधर करती हूँ, टीवी देख रहे हैं। सीधे मैं अपने पूजा का बर्तन ले आती हूँ, पूजा करती हूँ, तो मैं धो दे। मैं जो दूध बॉयल होने के रखे, उसको पता नहीं क्यों ब्लैक ब्लैक देख रहा था, वही देख रही थी मैं। तो चलो मैं पूजा कर लेती हूँ फिर। तो ये दिन मेरा पूजा हो गया है, मैं पूजा कर ली अभी। बस नॉर्मल पूजा है, जैसे डेली का पूजा करते हैं वैसे ही है। तो चलिए मैं भी किताब पढ़ूँ का। तो मैं यहाँ जीत पुत्री का व्रत कथा पढ़ूँगी। लड्डू को मेरे गोद में ली है अपना, लड्डू को टीवी देखना है। तो चलिए मैं अपना पहले का बुक पढ़ लेती हूँ, उसके बाद नारायण और सरस्वती देवी तथा वेद व्यास के प्रणाम कर जय। अर्थात शास्त्र पुराण कहे, जिस परमेश्वर ब्रह्मा वरुण महादेव और सब देवताओं लोग सुंदर अस्त्रोत में स्तुति करते हैं, और जिस परमेश्वर का शिक्षा सूत्र व्याकरण निर्देश ज्योतिष छेद उनके सहित वेदों द्वारा पद क्रम उपनिषदों द्वारा याम देती लोग गुणानुवाद गाते हैं, और योनि लोग ध्यान करने करके मन से जिस परमेश्वर को देखते हैं उसे अनंत रुकिए बेटा, जिसके अंत को देवता और असुरों ने भी नहीं जाना, उस परमेश्वर का नमस्कार है। एक समय नैमिषारण्य के रहने वाले सब मुनि लोग संसार के ऊपर ही कृपा की इच्छा से सुख जी से पूछने लगे, यह भयंकर घोर कलयुग में बालक बहुत काल तक जीने वाले कैसे होंगे? सुतक जी बोले, द्वापर के अंत में जब कलयुगी पूर्वित हुआ तब दुखी स्त्री विचार करने लगी कि माता जीती है, उनके लड़के नष्ट हो जाते हैं। ऐसे निश्चित करके गौतम ऋषि के पास सब मिलकर गए। सुपूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे हैं, उनके लोग स्त्रियां नम्रता पूर्वक खड़ी होकर कहने लगी, यह सुनकर वह इस भयंकर समय में किस प्रकार से यह तप में हम लोग के लड़के जीवित रहेंगे, ऐसे निश्चित करके हे प्रभु आप कहिए। ऐसा उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे कि हे स्त्री, जैसे मैंने पहले सुना है वैसे ही आप लोग भी सुनो। जन्म की चीली रही हूँ, सियारन नहीं, जीवित पुत्रिका को के व्रत को करती हूँ। तुम अच्छी तरह व्रत का पालन किया, उसी दोष से बहन तेरे लड़के नहीं जीते हैं। मेरे व्रत नष्ट नहीं हुआ था, इससे मेरे लड़के जीवित रहते हैं। हे प्यारी, अब तुम और राजा साहब इस व्रत को करो, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे।
हेसो भाग्यवती, मैं सच कहती हूँ, यह वर्त को सुनकर अब उसने उस वर्त को किया। उस दिन से राजा द्वित पुत्र हुए और उस लड़की के पुत्र बड़े सुंदर हुए। उस पृथ्वी पे वो लड़का राजा हुए, बहुत समय तक जीने वाले हुए। सुत जी ऋषियों से बोले, मैं ये मैंने सुंदर वर संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला है, पुत्र के दीर्घायु जीवन की इच्छा वाली स्त्री इस वर को करे। तो मेरा पूजा पाठ हो गया है, सब कुछ हो गया है। मैं ऐसे बेड पे बैठी तो थोड़ा कमर पेन हो रहा है बस, तो ऐसे मैं सोचे कि चलो आप लोग से बात करती हूँ और इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पूजा वूजा की और कथा पढ़ी, जिस बंधन गोसाई की कथा होता है, तो मैं बुक रखी हूँ, जो जितना है उतना मैं पढ़ ली। और मैं आप लोगों से बहुत बता दूँ कि मेरे घर में जूतियाँ नहीं पहना जाता है। मेरे घर में बस आप भूग जाओ, नया साड़ी पहनो और जो भी सब पूरे नियम होंगे, जैसे आप लोग करते हो सारे नियम होंगे, मेरे घर में भी होते हैं, लेकिन मेरे घर में जूतियाँ नहीं होता है। और वो जो जूतियाँ पूजना बोलते हैं ना, जिसको जिसको जूतियाँ रख के आप लोग पूजा करते हो, मेरे मायके में होता है, बट मेरे ससुराल में नहीं होता है ये सब चीज़ें। ऐसे ही आपको भूख रहना पड़ता है व्रत करके, और सारा नियम होगा। तो मैं सारे नियम जैसे मेरे घर पे होता है वैसे मैंने कर लिया है। और ये बताइएगा इयरिंग कैसा लग रहा है आप लोगों को, बीच में दिख गया तो मुझे याद आया, ये मेरे शादी का जो चढ़ावा जाता है ना गुरंथी पे, वो है, इसी का सेट मेरा नेकलेस भी है। तो मेरे घर में जूतियाँ नहीं पहना जा सकता है, आप लोग देख सकते हैं मैं जूतियाँ नहीं पहनी हूँ, क्योंकि मेरे घर में नहीं पहना जाता है जूतियाँ, तो क्यों पहनना। जैसे भगवान बच्चों को सलामत रखें, जित बंधन गोसाई, तो यही पूजा पाठ तो सब हो गया, बस पूजा पाठ करो, कथा सुनो, बस हो गया। अभी मैं अपने घर पे फ़ोन करूँगी सासू माँ को और मेरे जेठानी को प्रणाम करूँगी। मैं हर पर्व छोटा हो या बड़ा हो करती हूँ फ़ोन और प्रणाम भी करती हूँ। मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि मैं अपने फ़ोन से करती हूँ, मेरे हस्बैंड कुछ रिकॉर्ड नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत कभी कर दिए तो कर दिए, अभी वो भी फ़ोन पे बिजी है तो नहीं करेंगे। तो यही है, यही सब होता है मेरे घर। और कल सुबह पारन है, तो मेरे घर पारन में वही है सब कुछ जैसे बनता है मेरे घर में। कल मैं पारन में आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ और कैसे क्या होता है। कुछ खास पारन में ही नियम होता है और नहाए खाए जितिया में। अब जिसके घर में जितिया पूजा जाता है वो लोग जितिया पूजते हैं, अपने बच्चों को जितिया पहनाते हैं, फिर माँ पहनती है। तो मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए आप लोगों को मेरे ब्लॉग में देखने को नहीं मिला। और ये देखिए मेरे मेहंदी अच्छा लाल हो गया, मैं जल्दी निकाल दी, फिर भी अभी और हो जाएगा, बट कोई नहीं, चलिए जैसा है वैसा है, लग गया मेहंदी। तो मैं इस ब्लॉग को यही एंड करूँगी, अभी मुझे डिनर भी बनाना है। तो मैं सारा कुछ करके रखी हूँ जो कि मैं नहीं शूट कर पाई हूँ, रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। आलू पराठा का सारा कुछ रेडी है, आटा वाटा गूंद के रखी हूँ और स्टफिंग भी बना के। तो मैं भी आलू पराठा सेकूँगी और इन लोग को खाने के लिए दूँगी। तो सोच रही हूँ कि मैं सोची कि उससे पहले आप लोग से थोड़ा बात कर लूँ और जो भी होता है मेरे घर में नियम वो आप लोग को बता दूँ कि मैं जूतियाँ क्यों नहीं पहनूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि जूतियाँ नहीं पहनी, जूतियाँ नहीं पहनी, इसलिए मैं सोची क्लियर कर दूँ मेरे घर में जूतियाँ क्यों नहीं पहना जा सकता है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि मेरे घर में जूतियाँ पहनना, आदमी बोलता है कि जूतियाँ पहनना सहता नहीं है,
इसलिए नहीं पहना जाता है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं रहने देते हैं, और लड्डू को भी भूख लगा होगा, बच्चा है, तो इस ब्लॉग को यहीं रहने देते हैं। मिलते हैं कल एक फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और आप लोग अच्छे से अपना केयर करिए और जीतिया का पूरा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।